हजरत मोहम्मद सल्हु वसलम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है मुसलमानों के लिए हब्ब रसूल सल्हु वसम को लाजमी करार दिया गया है खुद आप सल्लाम ने अर्शाद फरमाया तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वाल उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊँ हर नाथ खां ख़ान की ख्वाहिश होती है कि वह आप सल्ह वसलम की अक्तस की सना और सिफ्त बयान करे आप सल्ह वसलम की सिफात ताद वसना और तोीफ़ो नात एक जान निसार और के रसूल का एक फ़ितरी अमल होती है नाथानी में जहाँ शरा इश्क रसूल सल्ला वसलम में सरशार होते हुए आप सना बयान करते हैं वहीं अदबो आदाब को भी करीने हाथे रखते हैं कि यहाँ जरा सी लग्जिश भी नाकबले माफी है नात को शरा इसी अदब को मलहूज हाथिर रख के हजूर सल्हसम की सना व बयान करने में पूरा जोर बयान सर्फ़ करते हैं मगर सबका लुबे लबाब शेखजादी ने इन चार मिसरों के कते में जमा कर दिया है फरमाते हैं बे ही, का शफा बेही हसुनत जमी खिसाल ही सल्लु अलैह व आलिही बलगल्लुला बि कमाल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कमाल के बुलंदतरीन दर्जे पर फाइज हैं कशफत दुजा बे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुस्न आलम ताब ने तमाम तारीकियां दूर करके अतराफ व जहालत को मुनवर कर दिया हासुनत ही आप सल्ह के तमाम औसाफ सबसे आला और मिसाली हैं है आप सल्हस और आप सल्हम की आलो औलाद पर दरूद पढ़ते रहा करो कहते हैं कि जब शेख सादी ने अपनी सबसे मशहूर रुबाई बालगल बमाल ही लिखनी शुरू की तो वह रुबाई का आखिरी मिस्रा मुकम्मल करने से रहे उनको रुबाई का आखिरी मिसरा मुकम्मल करने में मुश्किल पेश आ रही थी जिसकी वजह से वो परेशान थे इसी परेशानी में उन्होंने एक हैरानकन ख्वाब देखा शेख सादी ने ख़्वाब में देखा कि नबी अक्रम सल्ला वसलम अपने सहाबा कराम के साथ मौजूद हैं हज़रत मोहम्मद वल वसम शेख सादी से पूछते हैं कि क्या हुआ तुम परेशान क्यों नज़र आ रहे हो किस चीज़ ने तुम्हें परेशान कर रखा है जिस पर शेख सादी ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह वल वसम मैंने आपकी तारीफ़ में एक रुबाई लिखी है लेकिन मुझसे वो मुकम्मल नहीं हो पा रही हज़रत मोहम्मद सल असलम ने जवाब दिया जो तुमने लिखा है वो पढ़ के सुनाओ शेख सादी ने जवाबा ये रुबाई पढ़ कर सुनाई बाल ब कमाल ही का शफफत दुजाब जमाल हसनत जमीस हमारे प्यारे नबी सल्हु वसम ने रुबाई मुकम्मल करते हुए कहा सही इस तरह ये खूबसूरत रुबाई एक ख़्वाब में नबी अक्रम सल्हस के जरिए से पूरी हुई शेख सादी की नबी अक्रम सल्ला वसम की तारीफ में कही गई ये रुबाई सुनकर हजरत अमीर खुसरो जो कि फ़ारसी अदब का एक बहुत बड़ा नाम थे उन्होंने कहा कि वह इससे ज़्यादा बेहतर शायरी नबी अक्रम सम की शान में लिख सकते हैं कहते हैं उनको भी ख्वाब में नबी अक्रम सल्ला वसम की ज्यारत हुई उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी अक्रम सल्ह अपने साथियों के साथ हैं और शेख सादी इस पाक महफिल में अपनी खूबसूरत रुबाई सुना रहे हैं इस ख्वाब के बाद अमीर खुसरो ने तोबा की और अपने अल्फाज वापिस ले लिए।